आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रारंभ करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषणा किया गया है, जिसके तारतम्य में सुनील शर्मा पुलिस अधीक्षक सुकमा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आंजने ओम चंदेल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी दोरनापाल निशान पाठक के मार्गदर्शन में जिला सुकमा थाना दोरनापाल के सीमावर्ती राज्य उड़ीसा से अवैध धान लाकर छत्तीसगढ़ में कोई भी खपा पाए की आदेश पर आज दिनांक को थाना के सामने थाना प्रभारी सुरेंद्र जांगड़े के नेतृत्व में हमराह स्टाफ के द्वारा MCP कार्यवाही की जा रही है। जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ऐसा निर्देश सभी जिले के SP लोगों को प्राप्त हुआ था कि धान के जो अवैध परिवहन है उसको बोए सख्ती से कार्रवाई करना है, साथ ही साथ जो गांजे का परिवहन होता है पड़ोसी राज्यों से उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करना है। तो दोनों ही मुद्दों में मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग गांजे पे भी चेक पोस्ट लगा के कंप्लीट चेकिंग कर रहे हैं। तो आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ एक पत्ती गांजा भी अभी एंट्री नहीं कर रहा है और एक भी कार्रवाई हमारे यहाँ पे अभी गांजे की नहीं हुई है, क्योंकि एक भी ट्रक और बस हमारे यहाँ परिवहन नहीं कर रहे हैं और हमारी कंप्लीट 24 आवर निगाह बनी हुई है बॉर्डर पे। यदि किसी प्रकार का गांजा वगैरह हमारे यहाँ आएगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो धान अगर धान परिवहन की बात है, इस पर हम लोगों ने वही नाका लगाया हुआ था जिसमें 2 ट्रक भर के उड़ीसा की तरफ से अवैध धान हमारे सुकमा जिले में प्रवेश कर रहा था, जिसपे पुलिस स्टाफ ने तत्परता से कार्रवाई की थाना तोरनापाल के द्वारा। दोनों के दोनों ट्रक्स को अपने कब्जे में ले लिया गया है, साथ ही साथ प्रशासन में भी इसकी सूचना दी गई है। अभी प्रशासनिक अधिकारी पहुंच के उस पर जो भी न्याय संगत सुसंगत कार्रवाई है उस पर जारी है, और इस प्रकार की कार्रवाई जो है अवैध धान परिवहन को लेकर हम लगातार करते रहेंगे और किसी भी प्रकार से अन्य जिलों से हमारे राज्य में धान की एंट्री पे हम सख्त से सख्त निर्णय लेंगे और उन लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे।